फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चांद कैंटीन में। आज हम पर्व में खाने वाला नाश्ता बनाएंगे, 10 मिनट में बनने वाला नाश्ता बिना ओवन के। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एक बाउल लिए हैं, उसमें एक कप हम गर्म मिल्क लेंगे, हल्का गर्म मिल्क और हल्का गर्म वाटर। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे और इसमें 1/4 कप घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना। गर्म इसलिए डाले हैं क्योंकि हम इसमें चीनी पाउडर नहीं डाले हैं, चीनी डाले हैं जिससे कि अच्छी तरह से गल जाएगा। और 1/2 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डाले और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब 1 कप हम इसमें मैदा डालेंगे, 1 कप मैदा डाले हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ज़्यादा हो गया इसलिए इसे हम धीरे धीरे मिक्स कर रहे हैं। और इसमें हम 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, ये 1/2 कप है मिल्क पाउडर और इसे भी हम इसमें डाल करके मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़रा सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला, हल्का पतला ही हम वेटर बना के तैयार करेंगे। देखिए कितना सुंदर वेटर बन के हमारा तैयार हो गया। और ये ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए और इसे हम कम से कम आधा घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा आधा घंटा पूरा हो गया, अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर बन गया हमारा वेटर और ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बोलिए कि पतला, जिससे कि ये हमारा बहुत अच्छा और बहुत पतला और सॉफ्ट नाश्ता बनके तैयार होगा। और एक गिलास या कि कोई भी बर्तन में ले ले जिसमें कि हमारा कढ़ाई में डालने में ये सुविधा हो। तो एक कढ़ाई हम लिए हैं जिसे गैस पे चढ़ा दिए और इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिए हैं और अपने वेटर को इसमें हम डाल दिए। देखिए ये कितना गोलाकार शेप में आ गया अपने आप, क्योंकि ये पतला था इसलिए बिल्कुल गोलाकार शेप में आ गया। और इसे हम पलटा दिए हैं और इसके ऊपर से हम घी डाल दिए। आप घी या ऑयल कुछ भी यूज इसमें कर सकते हैं, आप अपने पर्व में जो खाते हैं वो इसमें आप यूज कर सकते हैं। हल्का सा चारों बगल से लगा दीजिए अपने घी को और इसे हम फिर से पलट लेंगे। और इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ना पलटने में दिक्कत होता है, ना इसको गोलाकार का साइज़ बनाने में दिक्कत होता है, ये अपने आप बन जाता है। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया और इसको पकने में भी लेट नहीं लगता है, ये तुरंत हो जाता है। और गैस के फ्लेम को हमेशा हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में ही इसे हमें पकाना है। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया हमारा नाश्ता। दूसरा भी हम इसी तरह से ऑयल लगा दिए हैं इसमें और अपने वेटर को डाल दिए, जो बिल्कुल अच्छी तरह से गोलाकार शेप में तुरंत आ गया। देखिए गोलाकार शेप में ये अपने आप आ जाता है, कोई मेहनत नहीं लगता। हम इसे पलटा दिए और इसे पलटा करके हम फिर से इसे पका लेंगे और मीडियम फ्लेम में ही हमें ये पूरा पकाना है, इसमें ज़्यादा हीट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ मीडियम फ्लेम में ही इसे रखना है और इसी तरह हमें पलटाते जाना है। हल्का हल्का से ब्राउन हो जाए और ये अंदर से बिल्कुल पक जाता है, क्योंकि ये बहुत पतला है और इसमें मिल्क भी है और ये बहुत खाने में इतना सॉफ्ट लगता है ना, खाने में भी बिल्कुल सॉफ्ट लगता है और ये टेस्ट में भी बिल्कुल टेस्टी रहता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्रेड से भी अच्छा सॉफ्ट। कितना सुंदर बन के तैयार हो गया हमारा नाश्ता, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी को बना लिए हैं। देखिए कितना पतला पतला है, ये बिल्कुल पतला, जैसे लगे कि कागज़ की तरह ये पतला बना है और कितना सॉफ्ट है। देखिए उतना समय, देखिए कितना सारा हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया। अब हम आपको काट के दिखाते हैं ये कितना सॉफ्ट है कि एक बार में 5 से 6 जितना भी हम बना के रखे हैं सब एक बार में कट जाएगा। कितना सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम, ब्रेड से कई गुना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। ये खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है, जितना आपको देखने में अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही अच्छा। देखिए कितना पतला है, बिल्कुल पतला, बिल्कुल सॉफ्ट, इसको मोड़ दीजिए, मुंह में घुल जाने जैसा सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया।
उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।